हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम जानेंगे पासपोर्ट वेरिफिकेशन के बारे में। इसके लिए सबसे पहले हम जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसका सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद क्या होता है, आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। बुक करने के बाद जो भी आपको डेट मिली है उस डेट पे आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना होता है। वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए जाते हैं, जो भी आपने ऑनलाइन डाटा फिल किया है सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अपडेटेड होने चाहिए। इसके बाद आपकी फ़ाइल बना दी जाती है और आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। पुलिस वेरिफिकेशन फिजिकल और सिस्टम डाटा दो रूप में होता है। एक तो आपका थाने में होगा, इसके बाद एक एसपी ऑफिस में होता है जहां आपको जाना नहीं होता है। फिलहाल पासपोर्ट ऑफिस ऑफिसर या पासपोर्ट ऑफिस में आपका पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट और ऑनलाइन डाटा मैच किया जाता है। इस सब कुछ क्लियर होने के बाद आपका पासपोर्ट प्रिंटिंग हो जाता है, क्वालिटी चेक किया जाता है, इसके बाद फाइनली पासपोर्ट आपका डिस्पैच कर दिया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपने कोई भी गलती कर दी है फॉर्म में तो अभी आपके पास टाइम होता है वेरिफिकेशन डेस्क पे कि आप उसमें सुधार कर सकते हैं। क्या क्या सुधार कर सकते हैं आगे आप वीडियो में जानेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आगे हम जानेंगे पासपोर्ट ऑफिस में आपका वेरिफिकेशन किस प्रकार होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपकी ज़रूरत होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले वीडियो के लिए। सबसे पहले आप पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे, जिस भी आपने पासपोर्ट ऑफिस में अपॉइंटमेंट बुक की है। इसके बाद वहाँ पे सबसे पहले देखिए आपके डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन डाटा वेरीफाई किया जाता है। सब कुछ क्लियर होने पे आपका फ़ोटो और बायोमेट्रिक कैप्चर किया जाता है। अगर आपने कोई भी डाटा मिसमैच कर दिया है, आपके डाटा में जो भी दिक्कत हो रही है या फिर आपने जो भी फिल फॉर्म में किया है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप उसे वहाँ पे वेरिफिकेशन डेस्क पे सही करा सकते हैं। जैसे ऐड सरनेम ऐड कराना, या फिर DOB में कोई गलती हो गई है, या फिर आपका कोई भी एड्रेस है, या फिर अदर डाटा में कोई भी दिक्कत हो गई है, उसे आप करेक्शन करा सकते हैं। क्योंकि एक बार आपका पासपोर्ट प्रिंट हो जाएगा फिर दोबारा से आपको पूरी प्रक्रिया दोबारा से करनी होगी। इसलिए यहाँ पे आप जो भी ऐड कराना चाहते हैं वो करा सकते हैं। आपका आधार जो है अपडेटेड होना चाहिए, जिसमें फ़ोटो अभी का होना चाहिए, पैन कार्ड और जो भी आपके क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है सभी आपके साथ में होने चाहिए और उनका फ़ोटो कॉपी भी होना चाहिए। इस प्रकार आप जो भी करेक्शन करा सकते हैं वेरिफिकेशन डेस्क पर करा सकते हैं। इसके बाद आपकी एक फ़ाइल बना दी जाती है जो कि पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपके थाने में भेज दी जाएगी, जो भी आपने फॉर्म में फिल किया होगा। वहाँ पे आपके क्या होता है, पुलिस वेरिफिकेशन में आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका वेरिफिकेशन किया जाता है, आपके एड्रेस का वेरिफिकेशन किया जाता है। तो इसमें 3 से 5 दिन इंतज़ार करना होता है। आपको कॉल भी आ सकती है, नहीं आती है तो आप नज़दीकी थाना में जाके वहाँ पे आप पता कर सकते हैं कि हमारे पासपोर्ट का वेरिफिकेशन होना है। वो अपना सिस्टम में देख के हम बता देंगे। इसके लिए आप अगर गांव से हैं तो एक चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा और आपके पास एक फ़ोटो भी होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई किए जाएंगे। सब कुछ क्लियर होने पर पुलिस वेरिफिकेशन एक रिपोर्ट बनाएगी जो कि SP ऑफिस में भेज दिया जाएगा। SP ऑफिस अपने सिस्टम में देखेगा ऑनलाइन कोई भी डाटा या कोई भी केस या आप पे कोई मुकदमा या FIR तो नहीं है। सब कुछ क्लियर होने पर वो रिपोर्ट पासपोर्ट ऑफिस भेज दी जाएगी। पासपोर्ट ऑफिसर उसे वेरीफाई करेगा। इस प्रकार आपका वेरिफिकेशन जो होता है वो डन हो जाता है।